किया। क्या बात है, आज इस खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू ये शोभा नहीं देते हैं यार। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि मेरी माँ नहीं है, मेरा लालल पालन मेरे बाबूजी ने ही किया। आज मैं उनका घर छोड़ के आपके घर आ गई, बस ये खुशी के आंसू निकल आए स्वामी जी। प्रिया, बहन बेटी पराया धन होती है, वो जहां पर जन्म लेती है वहां उसका गुजर बसर नहीं होता है। एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी दूसरे का घर सजाना पड़ता है। रही तुम्हारे पिताजी की बात, तो तुम्हारे पिताजी की खबर हम प्रतिदिन लेते रहेंगे। अगर उन्हें कोई कष्ट होगा तो तुम्हारी हवेली से उठाकर हम अपनी हवेली पर लेकर आएंगे और हम दोनों लोग मिलकर उनकी खूब सेवा करेंगे। अब तो खुश हो ना, तो फिर ये चेहरे से पर्दा तो हटाओ यार। प्रिया, आज शर्म कर रही हो, इतनी शर्म तो उस दिन नहीं किया था जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी। तो आपने अपने मुखारविंद से बड़े सरल लफ्ज से कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी दुल्हन बनकर आपके घर जाना चाहती हूँ। और जब आज हम तुम्हें ब्याह करके अपने घर लेकर आए हैं तो आप शर्म करके उतनी दूर खड़ी हो। अरे यार, प्रिया जिस तरह आज मुस्कुरा रही हो इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहना, कभी मुझ पर नाराज मत होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदरी सपन चलो ना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझ पे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदरी सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न हो। कौन है? आई एम पोस्टमैन। पोस्टमैन, बोलिए क्या काम है? जी हाँ, मैं उनका छोटा बेटा मंजीत सिंह। लेटर? इतना इमरजेंसी कि इतनी रात को आपको आना पड़ा? पोस्टमैन जाइए, गेट पर हमारा वॉचमैन होगा, आप उससे अपना खर्चा ले लेना। फिर कौन है? डरिए नहीं, बंधा हुआ है, तभी तो अंदर आ गए हो। जाइए, आ गया होगा। स्वामी, ये इतनी रात में कैसा लेटर आया हुआ है? देखता हूँ प्रिया। मिस्टर मंजीत सिंह, आपको मालूम हो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक निर्दोष व्यक्ति की झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है, जिसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें इनवाइट किया गया है। जल्द से जल्द दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में बुलावा आया है, शीघ्र पहुंचने की कृपा करें। मिस्टर मंजीत सिंह, एडवोकेट, सोलापुर। क्या हुआ स्वामी जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो?
प्रिया। हाँ स्वामी। आप जानना चाहती हैं किस खत में क्या लिखा हुआ है? हाँ स्वामी, क्या लिखा हुआ है? प्यार ये कत्ल का है मुकदमा लगा, प्यार ये कत्ल एक निर्दोषी की जान बचाना मुझे, कर बहस उसको मुझको छुड़ाना पड़े। एक गरीब इंसान के ऊपर झूठा कत्ल का केस लगा हुआ है और कोर्ट से मेरा बुलावा आया है, मुझे आज ही और इसी वक्त यहाँ से जाना पड़ेगा। स्वामी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि इंसान के जीवन में यह खुशी की रात एक ही बार आती है और आप जाने की बात कर रहे हैं। हाँ प्रिया, मैं जानता हूँ कि इंसान के जीवन में सिर्फ एक दिन ये रात आती है, लेकिन प्रिया वो गरीब इंसान है, उसके ऊपर झूठा कत्ल का केस लगा है, अगर उसे फांसी की सजा हो गई तो हो सकता है कि वो घर का गार्जियन हो, उसके पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हो, अगर उसे फांसी की सजा हो गई तो उसके बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, कटोरा लेकर गली गलियारे में भीख मांगेंगे, एक टुकड़ा रोटी के लिए भूख प्यास के मारे तलब कर मर जाएंगे। तो ये बतलाइए प्रिय कि हम अपनी इस खुशी की रात को देखें या कि उस गरीब इंसान की जान को बचाएं? नहीं स्वामी जी, आप जाइए उस गरीब इंसान की जान बचाइए, नहीं अगर जो उससे कुछ हो गया तो उसके छोटे छोटे बच्चे तो दर दर की ठोकरें खाएंगे, इसलिए आप जाइए उसकी जान को बचाइए और ये खुशी की रात तो हम लोग फिर कभी मना लेंगे स्वामी जी। वाह प्रिया वाह, आज आप पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि आप जैसी पत्नी मुझे मिली है, और फिर प्रिया सिर्फ 3 दिन की बात है, आज जाऊंगा और कल कोर्ट के अंदर पहुंचकर बहस करके उस गरीब इंसान की जान को बचाकर परसों अपनी हवेली पर वापस आ जाएंगे और ये खुशी की रातें हम लोग फिर मना लेंगे। हाँ स्वामी जी। प्रिया, हम लोगों की नसीब देखो कि आज हम लोगों के मिलन की रात है, लेकिन हम दोनों के बीच का दुश्मन ये लेटर बन गया है, लेकिन हम लोगों ने प्यार किया है। हाँ स्वामी। है प्रिया, प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद करेगा जहां, ओ तेरे
तू अंदर जा, घर में देख, वो मंजीत की माँ होगी नहीं, उसे बुला करके ले। सावित्री जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो डर गया था कि मेरे सर पे कोई बला आ रही है क्या। ए भगवान ने मेरे चाचा ना चला के मेरी बात अच्छी लगती है। अरे समझा रहा हूँ यार, आहिस्ता आहिस्ता चलो, इस तरह पैर को पटक करके जमीन पे मत चलो, नहीं एक दिन जब कब्र में डाली जाओगी नहीं तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी कि तेरी पसलियां एक हो जाए। याद रखना, आहिस्ता चलो, दौलत पे इतना गुरूर मत करो, ये दौलत किसी की नहीं है। और सुनो, मैंने तुमको बुलाया किस लिए है? ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है हमारे महल में आई है, ये जब से मेरे महल में अपने कदम को रख दिया है ऐसा लगता है यार कि जिससे हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है। ये कोई देवी स्वरूप है, ये लड़की तो हो ही नहीं सकती है। मैं जब अंदर जाता हूं ना तो मेरे को अजीब सी खुशबू मिलती है यार, मैं क्या बताऊं आपको। एक बात और बताएं, बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है, वहां पे कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है, रेयर एंड रेयर केस में फंसाया गया है, बहुत ही जगन्नात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसको इश्यूज करना है, इश्यू मतलब हैंग करना है, उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पटिशन है जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में है, अब उस लायर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना मेरा बेटा जाकर के बहस करके किस तरह उस बच्चे को बचाएगा। मैं क्या सुन रही हूँ, कभी नई नई बेटे की शादी हुई है, घर के अंदर नई नई बहुरिया आई है, बेटे की सुहागरात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए, उसे बहुरिया के साथ समय बिताना चाहिए। गया है जान बचाने। ये जब बोलती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसके मुंह से हवा निकल रही है कहीं और से निकल रही है? मैं तो एक कदम पीछे हट जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हवा के वेग से मैं गिर ना जाऊं। तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा वहां मारा गया, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करते होंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे तूने सोचा है कभी? तेरे बेटे को सुहागरात मनाना चाहिए। अरे ये दुनिया है, मरती जीती रहती, किसको किसको बचाएगा, ठेका ले रखा मेरा बेटा बचाने का। जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई है, आप ही सोचिए, बेटे के सुहाग रात है, अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी मायके, अपने सखियों सहेलियों से क्या बताएगी, रात में दूल्हा भाग गया था। रात में दूल्हा भाग गया, बड़ा बेढक सीटी मारती है। अगर कोई बीमारी हो तो बता, मैं उसका ऑपरेशन करवा दूं। बताओ मतलब ये हुआ कि जब तू दुल्हन बन करके मेरे महल में आई है और यहाँ से वापस जब अपने घर गई होगी तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ मारती रही होगी और लोगों से बताती है कि राणा साहब ने कौन कौन सा खेल हमारे साथ खेला है। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। बहुत सारी औरतें अनपढ़ होंगी लेकिन तुझ जैसे गिरी हुई औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर एक बार तू सोच लेती कि उस शख्स की तो औरत है जिसको पूरे प्रदेश के लोग सलामी मारते हैं तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत भी नहीं करती। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता। और सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर और मेरे जाने के बाद
तुम अपना पूरा समय बहू के साथ दे दोगी, क्योंकि महल बहुत बड़ा है, कोई है नहीं, बहू नई नवेली है, उसका जी उबेगा। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपना पूरा समय बहू के साथ दे दोगी, जब तक मंजीत नहीं आ जाता है। स्वामी जी आप चिंता ना करें। हाँ हाँ, वो बहू नहीं मेरी बेटी है वो। अरे वाह, मैं इतना प्यार करूंगा उससे, इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि ऐसी, जिंदगी में नहीं सोचेगी कि ऐसी मुझे सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई सतवा शिकायत नहीं मिलेगा, मैं इतना प्यार करूंगा उससे। या तू भौहें मटका मटका करके बोल रही है, मैं डर जाता हूँ कि तू मेरे को सहज चटा रही है, चूना चटा रही है। लेकिन तुम मेरे को भी जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ, तेरे को अच्छी तरह मालूम है। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर कोई शिकायत मेरे को मिल गई आने के बाद, तो ऐसा जहर उगल दूंगा कि तेरा जो ग्लोब एंड ब्राइट फेस, गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, बिल्कुल काला हो जाएगा। ओके, ना सोई जाती तुम्हारे कटिया चली जाती, तीरथ यात्रा तुम्हार लौटे के रोजी न होते, हुए सोए उठते चार के कांधे चले जाते हो। देखा था भैया रहो, दुई लड़का के महतारी हो गई ना, आज तक का इतनी तारीफ मार कबो ना भाई, इकाल से चली आ तो प्रथम बिटिया के बताओ तो देवी आए लक्ष्मी आए बोला तो खुशबू आवत आए हमें बोले गंधा जा। अब जा रहा ना सिंह तीरथ यात्रा करा, घर के तीरथ यात्रा सावित्री सिंह करी, देखा हम तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करी था। दासी दासी खुश रहो मटक कला, क्या बात है मालिक, ये वही बग्घी है क्या रे? जी मालिक, जरा इसको साइड काट खड़ा कर दी, चल इधर। कहाँ थी रे अभी तक? परसों से, परसों से नजर में तुम हमारे चढ़ी हो, कितना लौंडा फंसाती है रे? हैं? बता मालकिन को। नहीं मालकिन, ऐसा काम मैं नहीं करती। कितने का नंबर बांटी आज पिछवाड़े? हवेली पीछे कितने का नंबर दिया? मैंने किसी को नंबर नहीं दी। राम जादी हवेली को रंडी खाना खोल रखी हो। कभी ये कहीं कि बुलोरो में क्या कर रही थी रे? नहीं मालकिन, कहीं तो नहीं गई थी। तुम्हारी भी चमड़ी खींचूंगी और राणा सिंह का जो बॉडीगार्ड आते हैं उनकी भी चमड़ी खींचूंगी। राम चादी सारा दिन किसके साथ और लौंडे के साथ बुलेट के साथ घूम रही थी? हैं? मालकिन ये घूम रही थी बुलेट के साथ। मैं सारी बात सुन रही थी तेरी रिकॉर्डिंग, और वो 21 तारीख का कौन आने वाला है रे? ले जा इसको हराम जादी को। सुनो, यहाँ से जाओ मेरी बहुरिया के बेडरूम में। जी मालकिन। और उससे बोल दो कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालकिन, ने भी चाहती है। और कानो कान किसी खबर नहीं लगना चाहिए। ठीक है मालकिन। अगर आदत ना सुधारी ना तो समझ लेना हराम चादी। ठीक है मालकिन, चमड़ी निकाल दूंगी दोनों। निकल यहाँ से। राणा सिंह इतना बढ़ावा दे रखा है कि दासिया भी मालकिन बनकर बैठी है। हराम चादी यहाँ रंडी खाना खोल बैठी। We'll be right back.